नमस्कार। बात आज कर रहा हूँ सिर्फ उन माताओं बहनों के लिए जिनके जीवन की एक ऐसी साइकिल जिससे उन्हें प्रकृति भगवान बनने का अवसर देती है, जिससे उन्हें मातृत्व सुख प्रदान होता है, जिस व्यवस्था के तहत वो प्रकृति का एक बहुत बड़ा कार्य स्वयं संपादित करने की क्षमता प्राप्त कर पाती हैं, जो उन्हें मातृत्व सुख प्रदान करता है, उस पूरे के पूरे साइकिल का बहुत अहम रोल अगर मेडिकली हम समझें, अगर हम चिकित्सक आधार पर, चिकित्सीय व्यवस्थाओं के आधार पर उसको जानने की कोशिश करें, तो वो है उनका रजस्वला, उनका जो मासिक धर्म है, उस वो प्रवृत्ति, वो सिस्टम, वो वस्तु या वो उनके साथ जो प्राकृतिक व्यवस्था है जो उन्हें मातृत्व सुख प्रदान करती है। पर ये एक बहुत बड़ा विकार भी है जिन लोगों को ये सही समय पर नहीं हो, जिन लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो उनके शारीरिक कष्ट का भी बहुत बड़ा कारण है। ये अपने आप में बड़ी बीमारी मानी जाती है, ये बहुत बड़ा विकार माना जाता है। हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, स्वभाव चेंज होने लगता है, उनके अनचाहे जगहों पर हेयर ग्रोथ होने लगती है, या यूं कहें तो उनके स्वरूप में, उनके स्वभाव में, उनके व्यक्तित्व में और यहाँ तक कि उनका जो बात व्यवहार है उस पर भी बहुत बड़ा कुप्रभाव डालता है। ये एक ऐसी क्षमता जो आपके अपने शरीर के अंदर वो सारे के सारे ऑर्गन बनाने की क्षमता रखती हो, ऐसी बड़ी प्रकृति की व्यवस्था का जो अहम रोल है जिसको हम रजस्वला के नाम से जानते हैं, और ये डिसबैलेंस हो जाए तो, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, मेडिकल ने अभी इस पर बहुत रिसर्च तो नहीं किया, इसके लिए बहुत सारी औषधियां तो अवेलेबल नहीं है। जो इस चीज के डॉक्टर हैं वो चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, उनके पास उतनी व्यवस्थाएं तो नहीं है कि उन्हें आप पूरी तरह से क्योर कर सके। इसकी वजह से लोग का हेल्थ ठीक नहीं रह पाता, बड़े सारे कारण हैं इसके, हाइट नहीं बढ़िया हो पाती, आपकी तंदुरुस्ती बहुत बढ़िया नहीं रहती, आप हेल्दी नहीं रह पाते, ऐसे नाना प्रकार के कष्ट आप झेलते हैं और बहुत थोड़े से बदलाव से आपके जीवन में ये पूरी की पूरी तरह ठीक हो सकता है। जिन लोगों को ऐसा है वो अपनी रात्रि की नींद पर पहले ध्यान दें और सोने के पहले हाथ पैर धो करके ही सोएं, सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में हल्दी का जो तालमेल है, हरिद्रा जिसे बोलते हैं, उसका तालमेल बहुत बेहतर कर लेने से आपका बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएगा और आप इस अव्यवस्था से पूरी तरह से मुक्त हो पाएंगे। यानी आपको खान पान में या तो हल्दी बहुत अधिक भून के खानी है और या तो हल्दी खाना बंद कर देना है। हल्दी को आप या तो पूरी तरह से कच्ची खाएं और या तो उसको बहुत अधिक भून करके खाएं, वो बीच वाली हल्दी ऐसे मरीजों को बहुत नुकसान करती है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप इससे क्योर होना चाहते हैं तो बहुत प्रारंभिक कार्य है कि आप अपने पैरों में ऐसा वो जो पहनते हैं ना, जिसे आप तोड़िया बोलते हैं कुछ लोग पाजेब बोलते हैं, पैरों के ठीक नीचे, मतलब पैरों की जो कलाई होती है उसको जैसे भी आप समझें, वहाँ पर अगर आप थोड़ा भारी पायल पहनते हैं, नूपुर उसमें आप थोड़ा मजबूत लगाते हैं, तो भी ऐसी चीज़ों से आप मुक्त होते हैं और आपकी ये साइकिल अपने सही समय पर हो पाती है और आप इस अव्यवस्था से ठीक हो पाते हैं। दूसरा एक काम, आप अपने तलवों के नीचे सरसों का तेल रात्रि में लगाना स्टार्ट करिए, 2 से 3 महीने लगेगा लेकिन आप इस अव्यवस्था से ठीक हो पाएंगे। जिन लोगों को ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बड़े लेवल पे प्रॉब्लम है, ये तो छोटे मोटे आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, जिनको ये बड़ी प्रॉब्लम है, जो इस चीज़ की बहुत बहुत सारी दवाइयाँ खा चुके हैं उसके बावजूद ठीक नहीं हो पाए, तो उनके लिए बहुत आवश्यक है खान पान ठीक रखना, तीखा, खट्टा,
बहुत बादी, बहुत जंक फूड, बहुत बाहरी चीज़ें एकदम उनको अवॉइड करना चाहिए। बहुत संयमित जीवन जीना पड़ेगा और संयमित भोजन करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए सबसे पहला आवश्यक होगा। और ज्योतिषी उपाय में आप तेल का दान करें, दूसरा भगवान शिव के ऊपर समी पत्र चीनी मिला के चढ़ाना शुरू करिए, 5 से 7 शनिवार के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक चमत्कारिक प्रभाव होगा और आप ऐसी अव्यवस्थाओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0808142694।